और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सोशल विजेट्स ऐड करना सीखेंगे अपने वर्डप्रेस थीम में। तो सोशल विजेट्स ऐड करने के लिए मैं यहां से सबसे पहले आपको थीम बता देता हूं वर्डप्रेस का। प्रीवियस लेसन में हमने फुटर के ऊपर काम किया था, फुटर की कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डिस्कस किया था, आज के लेसन में हम देखेंगे। अब जैसे कि फुटर कलर आपको येलो नहीं अच्छा लग रहा, कोई और अच्छा लगता है तो आप वो कलर ऐड कर लें। इसके अलावा रेनबो बटन के ऊपर हमने काम किया था। आज के लेसन में हम सोशल प्रोफाइल पे काम करेंगे। हम देखेंगे कि आप यहाँ पे साइट पे सोशल बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। और एक तो आपके पास थीम पड़ा हुआ है और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और सोशल बटन, ये वाले जो ऐड किए थे, इनको भी आप साइट पे ऐड कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे हमने शेयर बटन, एक तो आपके पास फॉलो बटन होते हैं, एक होता है शेयर बटन, आप फॉलो बटन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो शेयर बटन है ये भी आप साइट पे ऐड कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो WordPress थीम है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड में, तो डैशबोर्ड में अगर आप WordPress में जाते हैं तो WordPress में आपके पास, आप WordPress पे क्लिक करें और WordPress में आपके पास यहाँ पे देखिए सोशल बटन है। सोशल बटन पे क्लिक करके आप इसको ऑन कर दें, ये ऑफ था, इसको ऑन कर दें। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपके पास फेसबुक का लाइक बटन आ जाएगा, ट्विटर का, गूगल प्लस का और लिंक्डइन का। फेसबुक शेयर बटन, अगर आप फेसबुक पे शेयर करना चाह रहे हैं कोई भी पोस्ट, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपके पास है रेडिट का एक और यहाँ पे बटन है। इसी तरह और भी काफी सारे यहाँ पे देखें तो बटन यहाँ पे दिए, जैसे कि गूगल शेयर है, गूगल शेयर में ऐड कर लेता हूँ। ऐड बटन पे क्लिक करें, टाइटल दे दें और कोड यहाँ पे ऐड कर लें। तो कोड आपको कहाँ से मिलेगा उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सारे बटन ऐड करने के बाद आप देखिए फेसबुक लाइक बटन है, लाइक पे एडिट पे क्लिक करें, फेसबुक आ गया। और फेसबुक आपके पास देखें प्लगइन है, लाइक का बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक तो लाइक भी है और शेयर भी है। देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करें। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये ऐड हो गया। टोटल लाइक कितने हुए फेसबुक में, ट्वीट कितने हुए हैं और यहाँ पे देखें कंप्लीट आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, कोई और स्टाइल ऐड करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे प्लगइन में देखते हैं हमारे पास इंस्टॉल प्लगइन कौन कौन से हैं। प्लगइन यहाँ पे देखें, शेयर बटन हमने ऐड, हमने जो ये प्लगइन ऐड किया था इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये आपको आ जाता है। हाँ, और यहाँ पे बैक जाके इसको सेटिंग पे क्लिक करनी है, हमने इसकी सेटिंग पे क्लिक करें। हमने यहाँ पे इस पे जो ऐड किया हुआ है, आपने ये वाला शेयर बटन, ये वाला हमने बिलो ऑफ द कंटेंट्स ऐड किया हुआ है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि साइड बार पे आप देखें, यहाँ पे साइड बार का स्टाइल है, ये वाला शेयर हो जाए या फिर यहाँ पे मोबाइल शेयरिंग है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपके पास क्या हो जाए, साइड बार पे जो है तो ये शेयर हो जाए। इसको यहाँ से इसको भी ऑन कर देते हैं, ऊपर से वो भी ऑन है। और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है देख सकते हैं, इसकी पोजीशन आप यहाँ से लेफ्ट रखना चाह रहे हैं लेफ्ट रख सकते हैं, राइट करना चाह रहे हैं राइट कर सकते हैं। और इसके ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में आपको बता रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे इसको ऐड करना है, होम पेज पे, पोस्ट में, हर सब के सब पे ऐड होना चाहिए। यस, अगर जैसे सिर्फ होम पेज में डिस्प्ले हो तो आप होम पेज में इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कितने बटन होने चाहिए, 5-6 आपकी मर्जी, 6 करना चाह रहे हैं। थीम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, देखें लाइट करते हैं तो लाइट आ जाएगा और डार्क करेंगे तो वापस डार्क आ जाएगा, जैसे कि ग्रे करता हूँ ग्रे आ जाएगा और डार्क करेंगे तो वापस डार्क थीम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो वापस दिया हुआ है। तो मैं सोचता हूँ ये ट्रांसपेरेंट थीम आए और यहाँ पे जो बटन है और भी वो भी ऐड हो जाएंगे। और ये काम करने के बाद आप इसको सेव कर लें, शेयरिंग एडवांस ऑप्शन। ओके,
अब ये काम करें और इसके बाद आप इसको क्या कर दें, यहां से सेव टेम्पलेट पे क्लिक कर दें, सेव चेंज पे, और यहां पे इसको रिफ्रेश करके देखें जरा। प्रीव्यू करते हैं, देखिएगा ये यहाँ पे प्रीव्यू करके देखें, आपके पास ये जो बटन है ये आपके पास यहाँ पे ये देखें ये ऐड हो चुके हैं। तो इससे इससे ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आप ये इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसको सेव कर लें आप, ये देखें जरा, तो ये ऐड हो चुके हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये ऑप्शन आ गया, लोड मोर पे क्लिक करें तो उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन दिया, तो आप यहाँ से ये ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपके पास ये वाला जबरदस्त लग रहा है, आप इसको बेशक यहाँ पे ऐड कर लें, देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जाए और यहाँ पे बेस प्लस में जाए और यहाँ से आपने क्या करना है जी, सोशल शेयर को आप यहाँ से ऑफ कर दें, सेव, तो आपके पास सोशल शेयर जो है वो ऑफ हो गया और यहाँ पे देखें आपके पास ये ऐड हो गया। तो देखें तो आपके पास ये बहुत जबरदस्त आपके पास यहाँ पे सोशल शेयर बटन भी ऐड हो चुके हैं। और इसको रिफ्रेश करें जरा, यहाँ से अब इसको ऑफ कर दिए, अब देखें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और वो वाले ऑफ हो जाएंगे। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने सोशल शेयर बटन ऐड करना सीखी। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम चाहें कि हम ये वाले जो बटन है यहाँ पे टॉप पे आप ऐड करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे जो आपके पास सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेक्ट और अबाउट है इसके ऊपर यहाँ पे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ऐड किए होते हैं बटन सोशल शेयर, तो यहाँ पे अगर आपने ऐड करने तो वो कैसे करेंगे, तो उस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।